नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और ऐसे में आज उनका समाधान यात्रा सहरसा में है और उनके यात्रा को लेकर मुख्य जो बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा और साफ साफ कहा है कि जो बैजनाथपुर में जो पेपर मिल था उसको तो आपने बंद ही कर दिया और जो सहरसा में जो मेडिकल कॉलेज खुलने वाला था उसको तो आपने मध्यपुरा में शिफ्ट ही कर दिया। तो आप ये किस तरीके की पिकनिक यात्रा पर निकले हैं, बताएं क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आप देखिए इस वीडियो में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका समाधान यात्रा सहरसा जिला की ओर प्रस्थान किया है। आपको कुछ यादें हम करा दें। बैजनाथपुर पेपर मिल को मरा हुआ छोड़ दिया, हजारों लोग बेरोजगार हो गया, उसकी सुधि लीजिए। सहरसा रेलवे ओवर ब्रिज को आज तक आपने पूरा नहीं कराया, लोग परेशान हैं, आप उसका भी सुधि लीजिए। आप सहरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज तो नहीं बनने दिया, आप उसे शिफ्ट मधेपुरा किया, अच्छा है, लेकिन सहरसा में भी इसके अस्थाई समाधान की व्यवस्था बनाइए। ये पिकनिक यात्रा के रूप में न मनाइए, समस्याओं का समाधान कर कोई फलाफल निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप न्याय यात्रा में जब आए थे सहरसा तो मत्स्य गंधा को पर्यटक स्थल एवं उसके विकास एवं सौंदर्यीकरण का घोषणा किए थे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका भी समाधान करें। महेशी में उग्र तारा स्थान को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा किए थे, वह अभी तक नहीं हो पाया। यह ऐतिहासिक धरती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप यहाँ समाधान नहीं कर पा रहे हैं और आज हजारों लोगों को पर्यटक के क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है, लेकिन आप इसको प्राथमिकता में लेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो कुर्सी से सिर्फ लगाव है। लोगों के, युवाओं के बेरोजगारी और किसानों के परेशानी से कोई मतलब है नहीं। मुख्यमंत्री जी, दीवारी गांव याद है, यहाँ 2 वर्ष पूर्व जल जीवन हरियाली पर गए थे, आज वहाँ क्या हाल है जाकर देख लीजिए। आज इस गांव में न ही नल है न ही हरियाली है, यह गांव पूरी तरह से उपेक्षित और वीरान है। किस तरह से आपके मिशन का लूट हुआ है, भ्रष्ट लोगों के, भ्रष्ट अफसरों का भेंट चढ़ा है भ्रष्टाचार का, इसकी समीक्षा कीजिए। जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी है, भू माफियाओं एवं राजस्व पदाधिकारियों के गठजोड़ से शहर के ज्यादातर जमीन पर भू माफिया का कब्जा हो गया है, जिसके कारण लगातार आपराधिक घटना गोलीकांड होते रहता है। ये सब कब तक चलेगा, इसका भी आप समीक्षा करिए। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो खेल पूरे बिहार के हर जिला में शुरू हुआ है, सहरसा भी उससे वंचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली के तहत जो पैसे की लूट हुई है उसकी ईमानदारी से समीक्षा करें और जिस गांव में पिछले बार गए थे जरा उसको जाकर के देख लीजिए, सच्चाई पता चल जाएगा। लेकिन आप तो वहीं जाएंगे जहां हस्तिनापुर के गुलाम आपको लेकर जाएंगे, जीविका दीदी में सेलेक्ट करके कुछ लोग को लाएगा, ताली भजवाएगा और आप अपने यहाँ ही जाएंगे जहां हस्तिनापुर के गुलाम आपको लेकर जाएंगे, जीविका दीदी में सेलेक्ट करके कुछ लोग को लाएगा, ताली भजवाएगा और आप अपनी यात्रा पर हजारों रुपया खर्च करते हैं ताली बजवाने के लिए, 1.5 से 2 करोड़ खर्च होता है आपकी यात्रा पर, उसका लाभ जनता को क्या मिलता है ये बता दें। और जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय का जरूर आप समीक्षा करें, जो पिछले बार हुआ था वहाँ आप जरूर जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता के हित में आप कुछ तो फलाफल देकर आएं। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज सहरसा में है और उनकी यात्रा पर तंज कसते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि बैजनाथपुर में जो पेपर मिलता उसको तो आपने बंद ही कर दिया और जो सहरसा में जो मेडिकल कॉलेज खुलने वाला था उसको तो आपने मध्यपुरा शिफ्ट ही कर दिया। तो आप किस तरीके की पिकनिक यात्रा पर निकले और लोगों को आप ठग रहे हैं और सहरसा गए हैं तो वहाँ के लोगों को आप कुछ देकर ही वहाँ से आए, और भी क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।